देखिए मैंने भाजपा नहीं छोड़ी है सच बात तो ये है कि भाजपा छोड़ने की मुझे कोई नौबत नहीं थी और मैं तीस साल से इस पार्टी में काम कर रहा हूँ और आपने जो जिक्र किया दो हज़ार चौदह और दो, स, दो हजार दो हज़ार सत्रह की मैं दो हज़ार तेरह से ही प्रभारी हूँ अमित शाह जी के साथ भी प्रभारी रहा सह प्रभारी और अभी माथुर जी के साथ भी पर अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा था लेकिन धीरे धीरे मैं देखा कि जो कुछ नए लोग आ गए और ख़ास करके बिहार में एक नेता है उनको हमारे जैसे काम करने वाले लोग पसंद नहीं हैं उनको परिक्रमा वाले लोग पसंद हैं और उससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं उनको कोई पोटेंशियल वाला पढ़ा लिखा अच्छा आदमी नहीं चाहिए उनको सब डफ़र लोग चाहिए मंत्री बनाएंगे वैसे ही डफ़र को तो मुझे लगा कि इस बार जो उन्होंने घिनौना काम किया उससे हम ही नहीं पूरी भाजपा हिल गई बिहार में पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं को लगा कि अरे हम पाँच साल तक काम करते हैं एक व्यक्ति बैठा हुआ सीटों का सौदा कर देता है और वो बीजेपी का कम जेडीयू का ज्यादा लगता है और चलती उसी की है आप भी उदाहरण स्वरूप यहाँ ले सकते हैं आप सुशील मोदी के लिए कह रहे हैं ऐसा वो तो सभी जानते हैं और किसके लिए कहा जा सकता है यहाँ उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं मैं भी तीस साल से हूँ तीस साल से संगठन मंत्री रहे हैं हमारे राजेंद्र सिंह जी पिछली बार कुछ वोटों से हार गए थे एक तो आप संगठन मंत्री से उन्होंने को चुनाव में उतारा लोगों की उम्मीदें बनी और दिन रात उन्होंने भी मेहनत किया मेरे मुझे बुला करके कहा गया इन्हीं के द्वारा जिनका आप नाम ले रहे हैं कि आप सासाराम से लड़िए सासाराम लड़ेंगे तो सब जगह फायदा होगा पिछली बार भी बोले थे वो आइडिया लेते हैं कि मैं कहाँ से जीत जाऊँगा सर्वे में उसके बाद पिछली बार मुझे वहीं पर फंसा के रखा इस बार आइडिया लिए सारे सर्वे में मेरा नाम था तीनों जगह से मेरा नाम था लेकिन अब देखे वो कि अब कट तो नहीं सकता साजिश के तहत ये सीट उन्होंने नीतीश कुमार को गिफ्ट दे दे दी तो मैं इंतजार किया पाँच बजे तक मैं सबको फोन करते रहा कोई नेता फोन नहीं ने उठाया दो तीन दिनों तक करते रहा एक सिर्फ फडनवीस जी का फोन सुबह आया मैसेज छोड़ा तो।, तो मैंने उनको बताया कि देखो साहब मैं यूपी का भी काम देखा हूँ अभी नहीं मैं साथ में भी यूपी में बनारस में था अनंत कुमार जी के साथ और सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ वहां एक घटना घटी थी कि पार्टी ने राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी ने किसी भी व्यक्ति को जो वैस और ईबीसी समाज से आता हो टिकट नहीं दिया और ये चर्चा का विषय बन गया और मायावती ने उसको भुना लिया और जो प्रचार करने आते थे माननीय राजनाथ सिंह जी भी आए जो आज डिफेंस मिनिस्टर है अध्यक्ष थे बोले कैसे हो गया चौरसिया जी बोले सर मैं तो काम करने आया हूँ टिकट तो आप लोगों ने बांटा है मैं तो यहाँ का प्रभारी भी नहीं मुझे चुनाव में लगाया गया तो क्या होगा नकवी जी भी लगे थे तो हम लोगों ने बोला कि जहाँ जा रहे हैं बिल्कुल सफ़ाया हो जाएगा अंदर तो बातें कर ही सकते थे सफ़ाया हो जाएगा और मायावती ने इसको पकड़ लिया है यही बात मैंने गटी फड़नवीस जी को बोला था कि आप प्रभारी बनकर के आए हैं हमारे और प्रभारी और कोई फ़ोन तो उठा नहीं रहा अच्छा हुआ फ़ोन कर लिए मैंने बताया कि पूरे शाहबाद की बाईस सीटें और मगध की टोटल फोर्टी सीट पर मैं अकेला वैश्वी सी उम्मीदवार लड़ता हूँ जिसका एक प्रभाव है जिनकी वोट कर्पूरी ठाकुर का, का जो कुनवा था ना पचपनिया जिसको बोलते हैं वो हम लोग हैं और मेरी पॉपुलरिटी बाकी आप चेक कर लीजिए कर लिए सभी में है मैं जात पात की राजनीति नहीं करता हूँ लेकिन लोगों के मन में तो रहता है कि हमारा आदमी है और मुझे स्वर्ण हो बैकवर्ड हो दलित हो सभी इसलिए भी मानते हैं कि मेरा किसी से कोई मतलब नहीं रहता काम से मतलब रहता है और मैं किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं करता आपस में लड़वाने की कोशिश नहीं करता तो मेरी एक अलग अब मैं लोकल राजनीति में भी नहीं रहता जी। तो उन्होंने बोला नहीं आप बात तो ठीक कर रहे हैं सुबह बात होती है और अभी तक अनाउंसमेंट नहीं होता है और बारह बजे बिना अनाउंसमेंट किए नोखा तो का तो सिंबल दे ही दिया था नीतीश कुमार ने बारह बजे सासाराम की सिंबल भी दे दिए उस कैंडिडेट को जिसकी रेपुटेशन इतनी खराब है आप घूमेंगे तो उनके साथ कोई कार्यकर्ता प्रचार करने को तैयार नहीं अशोक अशोक जी जी बात बात कर कर रहे रहे हैं हैं